हेलो दोस्तों, आबिद कोटा व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा वीडियो एलन सुपत और कोरल पार्क को लेकर है और ये एरिया बोरखेड़ा और बारा नेशनल हाईवे के पास में पड़ता है। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। हेलो दोस्तों, तो मैं पहुंच गया हूँ एलन सुपत जो कि बारा रोड पे है और जो है पीछे की तरफ मेरे पूरी बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग को देख लेते हैं पूरा लॉन्ग व्यू शॉर्ट व्यू। और पीछे की तरफ में जो है मेरे ये एरिया है कोरल पार्क का। तो ये कोरल पार्क का भी हम वीडियो देख लेंगे डायरेक्शनल कैसा हमें जाना है और कहां तक ये लास्ट अभी कोरल पार्क फैला हुआ है वो भी हम देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंटों की लाइफ किस तरह की है कोटा में एलन सुपत पर, ये वीडियो में आपको दिख जाएगा। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिल्डिंग से एक रोड बारा की तरफ और दूसरा रोड बोरखेड़ा DCM कोटा की तरफ जाता है। बहुत ही भव्य बिल्डिंग है ये। तो चलते हैं हम अपना सफ़र कोरल पार्क की तरफ लेकर। अगर आप कोरल पार्क से एलन सुपत की तरफ जा रहे हैं तो आपका भी फुटेज इस वीडियो में हो सकता है। तो चलते हैं हम कोरल पार्क पर सीधे अंदर की तरफ। अभी कोरल पार्क का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है कंटिन्यू, क्योंकि 2023 तक भी ये कंटिन्यू ही रहने वाला है जहां तक हमें लग रहा है। काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन का काम होने की वजह से यहां पे लोगों को मास्क लगाकर घूमना पड़ता है और शहर से काफ़ी दूर होने की वजह से यहां पर आने जाने की व्यवस्था बहुत कम है। ऑटो ही यहां पर चलते हैं ज़्यादातर। लोगों को यहां पर दिक्कत आती है आने जाने में। कोरल पार्क में वैसे तो अभी फ़िलहाल के लिए सारी ज़रूरत की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो कि एक स्टूडेंट को चाहिए, बट एक बड़ा मार्केट यहाँ पे नहीं है फ़िलहाल के लिए, लेकिन छोटी मोटी दुकानें अंदर की तरफ आपको सारी मिल जाएंगी। स्टूडेंटों को अगर शॉपिंग वगैरह करनी होती है तो वो कोरल पार्क से सीधे मॉल या शॉपिंग सेंटर की तरफ ही जाते हैं। यहाँ से लैंडमार्क और सिटी मॉल वाला एरिया लगभग 10 किलोमीटर ही दूर पड़ता है और ये है कोरल पार्क का ऑफिस जो कि आखिर में है। और हम आ चुके हैं कोरल पार्क के आखिरी हिस्से में और यहाँ से भी नया कंस्ट्रक्शन अब चालू हो चुका है। तो चलिए हम देखते हैं ये नया कंस्ट्रक्शन कहाँ तक फैला हुआ है, कितनी दूर तक फैला हुआ है। तो ये अभी फ़िलहाल के लिए चल रहा है यहाँ पर, जो कि आने वाले कुछ सालों तक और चलने वाला है। तो ये है आखिरी छोर। तो दोस्तों, ये है कोरल पार्क का लास्ट हिस्सा जहाँ मैं खड़ा हूँ और मेरे पीछे चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम जो कि आगे आने वाले टाइम पर आपको और दिख जाएगा कोरल पार्क का विकसित रूप। आने वाले कुछ एक साल में आपको और यहाँ पे बनता हुआ दिख जाएगा कोरल पार्क का पूरा जितना भी एरिया है। ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे, तो ये और बड़ा होने वाला है एरिया। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए ताकि हम आगे भी आपको और अच्छी वीडियो लाके दे सकें। थैंक यू। तो ये वीडियो में हमारा सफ़र यहीं तक था। हम चलते हैं वापस अपने अगले वीडियो के सफ़र पर। तो बने रहिए हमारे साथ में आबिद कोटा व्लॉग में और अगली वीडियो देखना ना भूलें।